भाइयों का हर हर महादेव। भाइयों में 12 ज्योतिर्लिंग चार धाम की पैदल यात्रा कर रहा हूँ, जो कि 12,000 किलोमीटर की यात्रा है। मैंने रात सोने के लिए अपने यही कैंप लगाया था। ये आश्रम और मंदिर दोनों ही हैं। अब मैं अपने लिए दूध गर्म कर रहा हूँ। दूध पी के दूध और बिस्कुट खा के फिर मैं आगे की ओर निकलूँगा, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ही ठंडा है। आप मेरे पीछे देखते हैं, मंदिर है पूरा, इसी मंदिर में सोया था मैं। ये फिर मैं आगे की ओर निकलूँगा। भाइयों काफ़ी देर हो गई चलते हुए, बहुत ही कड़ी धूप पड़ रही है और अभी तक कोई दुकान भी नहीं दिखी है। कोई दुकान दिखेगी तो कुछ जाके मैं वहाँ खाऊंगा। और तो बहुत तेज़ की भूख भी लग रही है, जहाँ कोई दुकान पड़ेगी वहाँ जाके कुछ खाऊंगा। भूख भी लग रही है क्योंकि सुबह से कुछ भी दूध गर्म करा, दूध पिया, बिस्कुट खाया। अब आगे कोई दुकान पड़ती है तो वहाँ कुछ खाने को देखूंगा अपने लिए। तो भाइयों काफ़ी देर चलने के बाद मैं एक दुकान दिखी, वहाँ से समोसे लिए, समोसे खाऊंगा। समोसे भी पूरे इतने बड़े बड़े हैं। हमारे उधर ये 15 रुपये का समोसा और यहीं ये समोसा 10 रुपये का एक समोसा, लेकिन उससे बड़ा समोसा है। काफ़ी देर से कुछ नहीं मिला खाने को, अब कस्बा पड़ा हुआ है, जाके समोसे मिले, समोसे खाऊंगा, फिर से आगे की ओर निकलूंगा। तो भाई रास्ते में चलते हुए मुझे काली माता का मंदिर दिखा है। जय माता काली, जय श्री राम। देख सकते हैं मेरी माता काली हमारी, तो आप देख सकते हैं मेरी काली माता की मूर्ति मंदिर में भी है। मैं पहुंच गया हूं, आज मैं डिबाई में रुकूंगा क्योंकि शाम का समय है। तो ये हमारे भाई हैं, ये मैं इनके रूम पे जा रहा हूं, तो आज इन्हीं के रूम पे सोऊंगा मैं आज। तो मेरी आज खाने की और सारी व्यवस्था मेरे छोटे भाई ने करी है। तो डिबाई में हूं मैं आज, ये मार्केट में हूं। ये हनुमान जी का मंदिर है डिबाई के अंदर, तो ये मार्केट में भाई का घर है। तो मैं भाई के रूम पे जाऊंगा, ये मार्केट में थोड़ी सी दूर पे जाके घर है बस। ये डिबाई की पूरी मार्केट है। बारह जो दिल्ली चार धाम की पैदल यात्रा है, तो अब भाई के घर पर रुकूंगा, भाई ने रुका है तो आज उनके घर पर। आप यहीं से करोगे? आज यहीं से। तो मतलब आप कितने दिन हो गए चले हुए आपको? भैया आज मेरा छठा दिन है, मतलब कि अपने घर पे 8 दिन पहले पहुंचा था, 8-10 दिन अपने घर पर, फिर यात्रा स्टार्ट कर दी मैंने। अब ये 2.5 साल की यात्रा है, 12,000 किलोमीटर की यात्रा है। 12,000 किलोमीटर है ना? पाँच पहले भाई 12,000 किलोमीटर हाँ गाजियाबाद से। ये चार बात पूरे 12 ज्योतिर्लिंग करूँगा ना। मध्य प्रदेश है, उज्जैन है, ठीक है, ओंकारेश्वर है और महाकालेश्वर है, नागेश्वरम है, नागेश्वरम है, बाकी कोटेश्वर नाम और रामेश्वरम है, कोटेश्वर नाम। तो यार बाकी भगवान ने आपको जो है यार इतनी लाइक दिलाया, मतलब मेरी यात्रा केदारनाथ के जाके समाप्त होगी। बद्रीनाथ जी के दर्शन करने का केदारनाथ जी पे जाके समाप्त होगी। जय श्री राम। तो यहाँ भाई का रूम है जहाँ पे मैं आया हूँ। भाई लोगों ने रूम ले रखा अपने पढ़ने के लिए, तो इन लोगों के रूम पर आया हूँ मैं। इन्होंने मेरे यहीं सोने की व्यवस्था कर रखी है। तो भाई आप देख सकते हैं भाइयों का रूम है, ये रहा रूम। तो भाइयों हमारे लिए छोटे भाई ने खाना मंगाया है, तो हम खाना खाएंगे भाई ने हमारे लिए। हाँ ये आते हैं दाल मखनी। तो भाइयों हमारे लिए भाई ने खाना मंगाया है, दाल मखनी है और ये कैसी सब्जी है? ये वैसी वाली दाल है, औरत वाली शायद। हाँ तो भाइयों मैं जा रहा हूँ खाना खाने, भाइयों ने हमारे लिए खाना बनाया मंगवाया है। तो ये दाल मखनी है, ये उड़द राजमा है, भाई ने अपनी तरफ से मेरे लिए खाना मंगाया है। तो खाना खा के फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय श्री राम, जय श्री राम।